ताजमहल के पीछे भी काफी पानी का लेवल आ गया है। अगर आपने देखा होगा तो ताजमहल के पीछे एक गार्डन हमने डेवलप किया हुआ है, जो जहां पे हमारी फेंसिंग है, फेंसिंग और ताजमहल की दीवार के बीच में एक बड़ा एरिया है, उसमें गार्डन है। वो गार्डन और जो पीछे की फेंसिंग है वो कम्प्लीटली सबमर्ज है और पानी लगभग 1.5 से 2 फीट ताजमहल की जो पिछली दीवार है उसके साथ टच कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये पानी किसी भी स्मारक या किसी भी संरचना के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चूंकि स्मारक पुराने होते हैं, उनमें जगह जगह वीक होल्स हो सकते हैं, कहीं प्लास्टर वीक हो सकता है, कहीं मेसनरी वीक हो सकती है, कहीं कोई छोटा मोटा छिद्र हो सकता है, या उसके आसपास चूहों की या दूसरे जानवर की बिल हो सकते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे इतना लंबे समय तक पानी का भरे रहना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में नुकसानदायी हो सकता है। ताजमहल को ही नहीं, किसी भी पुरानी संरचना को यदि पानी 3 या 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू भरा रहता है, जल स्तर ऊंचा रहता है, तो उससे कई नुकसान होते हैं। गाद जमा हो जाती है, आसपास चूहे या दूसरे जानवर की बिल होती है, उसमें पानी चला जाता है। पुरानी मेसनरी में वीप होल्स होते हैं, कहीं छेद होता है, उसमें पानी चला जाता है। इसके अलावा मॉइस्चर ज्यादा हो जा सकता है, तो जहां प्लास्टरिंग है और जहां पुराने प्लास्टर हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इस तरह के कई ऐसे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इनका सही आकलन जब बाढ़ का पानी पीछे हटेगा, देखेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है। ये आकलन ताजमहल ही नहीं, बाकी सभी मॉन्यूमेंट में भी होगा। There is a garden usually, but we can't see it. And yes, it's crazy to see the water go up so much. And yes, but to see the Taj Mahal was beautiful. हमने अपनी लाइफ में पानी देखा है, इतना हमारे बच्चों ने भी नहीं देखा, अब देख रहे हैं बच्चे, मगर हमने जो देखा है पहला पानी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी। और इससे हमें को दहशत लग रही है कहीं रात के अंदर समय पे और पानी ना बढ़ जाए, हमारे बर्तन घर मकान बह जाए नहीं, इस वजह से हम डरते सोते हैं। पड़ोस लोगों को डर है कहीं हमारे मकान ना टूट जाएं, तो उससे आदमी दहशत में भी है। रात को बड़ा कम होशियारी से सो रहा है आदमी, चिंतित में आदमी सो रहा है, कहीं ऐसा ना हो रात को पानी ज़्यादा बढ़ जाए, सोना भागे जाए।